शुभ प्रातः मित्रों, मैं मनोज मेहरा आपके अपने चैनल योग और निरोग पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम विभिन्न बीमारी का इलाज बताते हैं बिना किसी दवाई के, बिना किसी चिकित्सक की सहायता के, सिर्फ योग आसन और प्राणायाम के द्वारा। साथ ही साथ हम बताते हैं 4P पद्धति में आपको कौन से आहारों में परिवर्तन, किस समय आहार लेना है, कैसे आहार लेना है, कितना आहार लेना है, ताकि आप जीवन पर्यंत निरोग रह सकें, आप कभी भी किसी भी दवाई को लेने की आवश्यकता आपको ना पड़े। तो यदि आप भी चाहते हैं कि जीवन पर्यंत स्वस्थ और निरोग रहें बिना किसी दवाई के, बिना किसी चिकित्सक की सहायता के, तो कृपया हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे वीडियोस को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आज हमारा सब्जेक्ट है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजें भूलने की आदत पड़ जाती है। सिर पे चश्मा लगाया सारे घर में ढूंढ लेते हैं, ताला लगाया चाबी रख के भूल जाते हैं, किताब सामने रखी हुई है और हम भूल जाते हैं हम किताब पढ़ रहे हैं। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। चाय बनाने के लिए गैस पे पानी रखा और जाके कमरे में बैठ गए, झाड़ू मारने गए थे तो झाड़ू नहीं मिल रही होती है। बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत 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 छोटी चीजें जो कि हम रोज अपने दैनिकचर्या में परेशान होते हैं, भूलते रहते हैं, हमारी मेमोरी वीक हो जाती है और ये मेमोरी वीक होते 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 एज बढ़ने के साथ इतनी वीक हो जाती है कि हमें अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है। तो यदि आप भी आज ऐसी समस्या से पीड़ित हैं, आपको बहुत छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती हैं, आपकी एकाग्रता काम नहीं कर पा रही, आपका जो माइंड की रिकॉल पावर है वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही है, तो कृपया ध्यान दें, एक बहुत बड़ी समस्या बनती चली जाती है आगे चले बढ़ते बढ़ते। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी समस्या बढ़ती जाएगी, अतः इसको आज ही रोकना आवश्यक है, इसको आज ही कंट्रोल करना आवश्यक है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं पूरा पूरा दिन रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, परंतु जब एग्जाम का टाइम आता है, परंतु जब उस क्वेश्चन का जवाब देना होता है, तो वो उस समय उसको भूल जाते हैं। तो यदि आप सबको इस प्रकार की कोई समस्या है, आपके समाज में, आपके पड़ोस में, आपके राष्ट्र में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में यदि किसी को भी इस प्रकार की समस्या है, तो उसको बताइए कि आज का वीडियो आप ही के लिए है। आज के वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, बहुत गहनता के साथ समझें और पूरी तरह से जीवन में इस आदत को समाप्त कर लें, यह मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं। यदि आप आज इस वीडियो पर थोड़ा सा समय खर्च करेंगे और अपनी जीवनचर्या में इसको रोज शामिल करेंगे, तो आपको यह छोटी छोटी भूलने की समस्या से निजात मिल जाएगी। आप जीवन पर्यंत कभी नहीं भूलेंगे, जो भी काम करेंगे उसमें एकाग्र रहेंगे, वो हर बात आपको याद रहेगी जो भी आपको करना है। आप कभी भी सिर पे चश्मा लगा के पूरे घर में चश्मा नहीं ढूंढेंगे। ये बहुत छोटी सी बात है मित्रों, लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट बैठता है इस बात का। अतः आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखें, बहुत समझ के देखें। सभी विद्यार्थियों के लिए तो यह बहुत आवश्यक वीडियो है। जैसे हम अपने माइंड में कंसंट्रेशन बढ़ाएं, कैसे हम अपने माइंड में एकाग्रता बढ़ाएं कि हमें सारी बातें भूलनी खत्म हो जाए और हम जो काम करें वो हमें पक्का याद रहे, हम हर काम में तन्मयता के साथ लगे रहें, पूरी एकाग्रता के साथ उस काम को कर जाएं, कभी कोई भी बात हम भूले ना, तो फिर आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने आहार में परिवर्तन के लिए 4P पद्धति पर आ जाइए। हमारा भोजन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है आज के समय में। कैसे खाना, कब खाना, कितना खाना, क्यों खाना, इन सभी सवालों का जवाब आपको देती है 4P पद्धति। और निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कोई औषधि नहीं लेंगे, जीवन पर्यंत डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, 4P पद्धति को यदि आप अपनाते हैं तो अत्यंत आवश्यक है। आपको सभी समस्याओं से दूर करने के लिए 4P पद्धति को फॉलो कीजिए। उसके पश्चात जब आप 4P पद्धति फॉलो करने लगते हैं और एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं, तो ये थोड़े से प्राणायाम का कॉम्बो पैकेज मैं आज आपको बताने वाला हूं जो आपको फॉलो करना है। प्राणायाम और योगासन करने से पहले आपको सदैव खाली पेट होना चाहिए, टॉयलेट जाके आना चाहिए। जब आपका पेट फ्रेश हो जाता है उसके पश्चात खुले में किसी स्थान पर जाएंगे जहां पर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन का फ्लो बना हुआ हो और शांति के साथ एकाग्रता के साथ
पूरे मन के साथ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपकी समस्याएं जीवन की दूर हो जाएंगी। आप कभी भूलने की समस्या से पीड़ित नहीं होंगे। सबसे पहले आपको 7 से 11 बार से लेकर 21 बार पवित्र शब्द ओम का उच्चारण करना है। पालथी मार के बैठ जाएंगे, चाहे सुखासन में बैठे, चाहे पद्मासन में बैठे, चाहे नॉर्मली पालथी मार के बैठ जाए, जैसे आप बैठ पाए कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद रहेंगी और पवित्र शब्द ओम का उच्चारण करेंगे। उसको करने की विधि क्या होती है, ए प्लस ओ प्लस मैं, ऐसे प्रारंभ करते हैं। ओ को खींचते हैं 70% और मैं को बाकी के 30%। लंबा गहरा श्वास भरते हैं और श्वास को छोड़ते हुए प्रोसेस करते हैं। पूरी डिटेल चाहिए तो मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाई है, आप वहां पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा। एक दो बार मैं करके दिखा देता हूं। लंबा गहरा श्वास, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, पूरी तन्मयता के साथ। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल सहजता के साथ आंखें बंद करके पवित्र शब्द का उच्चारण करने है आपने, ओम का। उसके पश्चात आपने अपने स्थान पर खड़े हो जाना है, थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज करनी है और वार्म अप एक्सरसाइज करने पश्चात एक वो एक्सरसाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट आज आपने करनी है, वो खड़े होकर अभ्यास बहुत जरूरी है। उसके पश्चात 2 प्राणायाम करने हैं और आपका आज का पैकेज पूरा हो जाएगा। पूरे पैकेज को प्रतिदिन आप जब समय देंगे तो आप पाएंगे कि 7 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह से आपकी एकाग्रता तो फिक्स हो चुकी है, आपकी कंसंट्रेशन पॉइंटेड हो चुकी है, आपके माइंड की रिकॉल पावर सेट हो चुकी है। और आप यदि इसको प्रतिदिन करेंगे, 1 महीना 2 महीने 6 महीने या जीवन पर्यंत इन प्रयोगों को अपने जीवन में शामिल कर लेंगे तो आप वर्ल्ड की बेस्ट मेमोरी के मालिक बन जाएंगे। आपकी मेमोरी इतनी जबरदस्त हो जाएगी, आप कभी भी कोई भी छोटी से छोटी बात भी नहीं भूलेंगे। इसके ऊपर मेरा बड़ा दावा मत समझे मित्रों, यह शर्तिया बात है, 100% सत्य बात है। मैं जिन लोगों को भी बताता हूं, सैकड़ों हजारों लाखों लोगों के ऊपर प्रयोग कर चुका हूं, आप भी अपने ऊपर प्रयोग कीजिए। मेरी बताई बात पर मत जाइए, प्रयोग कीजिए और जानिए, जो अपने आप करता है उसको ही सही पता चलता है। थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज, पंजों के ऊपर एड़िया जमीन से नहीं लगाएंगे, पंजों के ऊपर हल्का हल्का सा जंपिंग करेंगे, सिर्फ पंजों के ऊपर। एक से दो मिनट करते रहना है, हल्के हल्के, श्वास नहीं चढ़ाना है, दिल की धड़कन को नहीं बढ़ाना है, जितनी शरीर की क्षमता है उस हिसाब से करना है। जहां लगे कि मैं थक गया हूं, रोक देंगे। उसके पश्चात मुट्ठियां बंद करेंगे, हल्के हल्के ट्विस्ट करेंगे। ये हमारी वार्म अप एक्सरसाइजेज है। वार्म अप एक्सरसाइज इसलिए करते हैं कि बॉडी में जो भी ब्लड का सर्कुलेशन है बढ़ जाए, बॉडी में रात को सोने से कोई थकावट आई है, कोई थकान आई है, वो खत्म हो जाए, हर नस नाड़ी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, एनर्जी का संचार बढ़ जाए। और उसके पश्चात हम वार्म अप होने के पश्चात मेन एक्सरसाइज करेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। क्षमता से अधिक नहीं करेंगे। हाई बीपी जिनको होता है वो स्लो स्लो करेंगे। जो लोग परफेक्ट हैं, स्वस्थ हैं, वो स्पीड बढ़ा के कर सकते हैं जितनी उनका शरीर बर्दाश्त कर सकता है। ये आपकी वार्म अप एक्सरसाइज होगी, 2-3 मिनट 5 मिनट आपने वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। अब हम करते हैं मेन एक्सरसाइज जो कि आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। कुछ लोग बताते हैं कि ध्यान लगाएं, एकाग्रता बढ़ती है, परंतु ध्यान लग नहीं पाता है तो क्या करें। हमारा ध्यान क्यों नहीं लग रहा होता है, क्योंकि हम माथा आंखें बंद करके बैठते हैं तो दिमाग में अधिक से अधिक विचार आ जाते हैं, कहीं हम पॉइंटेड नहीं हो पाते। तो यहां पर पॉइंटेड करने वाला ये आसन है
क्योंकि आपका पूरा माइंड और पूरी बॉडी एक ही आसन में इन्वॉल्व है। वहां पर हमारी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, हम सिर्फ शरीर को बैठे रहते हैं आंखें बंद करके, वहां पे माइंड का इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करते हैं और माइंड भटकता रहता है। अब जब हम यहाँ पर शरीर को अपने प्रयास करेंगे, शरीर के साथ लेके एकाग्रता बढ़ाएंगे, तो कंसंट्रेशन हमारी बढ़ेगी, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, हमारी रिकॉल पावर बढ़ेगी, हमारी मेमोरी बढ़ेगी। देखिए क्या करना है, पहले लेफ्ट लेग उठाएंगे, पंजे को अपनी राइट जंगा के ऊपर रखेंगे, राइट थाई के ऊपर रखेंगे। प्रारंभ में नहीं हो पाता है, बैलेंस बनाना पड़ता है, और जिसका बैलेंस बनने लगता है उसकी एकाग्रता बढ़ने लगती है। तो प्रारंभ में जब आपसे नहीं हो पाता है तो शुरू में यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, जहाँ आपका बैलेंस बनने लगे उसी प्रकार से आपको संतुलन में लाना है। जैसे जैसे बैलेंस बनने लगेगा वैसे वैसे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। प्रारंभ में दीवार के पास रख सकते हैं, एक हाथ का सहारा ले लिया, धीरे धीरे बैलेंस बनेगा, फिर धीरे धीरे हाथ को हटा के रखने का प्रयास करेंगे। बहुत टिपिकल नहीं है, जितना अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे उतना ही आप रोज प्रयास करेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। 2-3 दिन में ही आप रुकने लगेंगे, आपका बैलेंस बनने लगेगा। इस प्रकार से जब आपका बैलेंस बन जाएगा हाथों को आप ऊपर ले जाएंगे और दोनों हाथ ऐसे नमस्कार की मुद्रा में ऊपर रखेंगे सिर के, फिर बिल्कुल आंखें बंद कर लेंगे। जितना सहजता से रुक पाएं, 20 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, उतना रुकेंगे। सेकंड राउंड में कुछ आपके सेकंड्स बढ़ेंगे, थर्ड राउंड में कुछ और सेकंड्स बढ़ेंगे, फोर्थ राउंड में कुछ और सेकंड्स बढ़ेंगे, और ऐसे ऐसे आपके सेकंड्स बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आपका इसका अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। आप समझ पा रहे होंगे मित्रों, हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व है यहाँ पर बैलेंस को कंट्रोल करने में। हमारा बैलेंस बनेगा और हमारा माइंड पूरी तरह से कंसंट्रेटेड है कि मैं गिर ना जाऊं, इसलिए हमारी पूरी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट है। तो पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है इसीलिए हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। ये बहुत जबरदस्त आसन है, बहुत सॉलिड आसन है आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए। जो आपकी समस्या है छोटी छोटी बातों को भूलने की, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसका अभ्यास अवश्य करें, छोटा सा ना समझे क्या एक पैर पे खड़े हो रहे हैं। ये जो आप ध्यान लगाने वाली आपको प्रोसेस बताई जाती है कंसंट्रेशन बढ़ाने की, आंखें बंद करके बैठने वाली, उससे बहुत परफेक्ट है। इस पोजीशन में आकर हाथ जोड़ के आंखें बंद करके खड़े हो सकते हैं। जितनी देर हम कर पाएं, 1 मिनट कर पाएं, 2 मिनट कर पाएं, उतना ही बेहतर है। रोज प्रयास करेंगे, राउंड्स बना के करेंगे, पहले राउंड में 10 सेकंड, दूसरे राउंड में और 12 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट तक का यदि आपने अभ्यास कर लिया तो आपकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी, इतनी शार्प हो जाएगी कि कभी भी कोई भी समस्या आएगी नहीं आपको भूलने की। अल्जाइमर तो क्या किसी भी प्रकार का रोग आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह बहुत सॉलिड अभ्यास है, पूरा पैकेज करना है आपने। थोड़ा सा पहले ओम शब्द का उच्चारण किया, जिससे हमारी दिमाग की नसों में वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात हमने थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज की, उसके पश्चात हम इस मेन आसन में आए। इसको हम ध्रुव आसन भी कहते हैं, नाम में कोई कुछ नहीं रखा है, कुछ भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं नाम पर, सिर्फ काम पर ध्यान देना है। इसके पश्चात हम 2 प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। ये हमारा पूरा पैकेज है अपनी कंसंट्रेशन को, अपनी माइंड की कंसंट्रेशन को बढ़ाने का, अपनी एकाग्रता को बढ़ाने का, अपनी रिकॉल पावर को बढ़ाने का, और साथ ही साथ खाने पीने का जरूर ध्यान रखेंगे मित्रों। 4P पद्धति को फॉलो करेंगे, बिना खाना पिए को कंट्रोल किए, बिना जीत को कंट्रोल किए हम कभी भी योग आसन प्राणायाम से फायदा उठा नहीं सकते हैं। वो सारी बातें आपको 4P पद्धति में कैसे कैसे करनी होती है, आप 4P पद्धति के लिंक को डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे और पूरी तरह समझ जाएंगे। वैसे तो आजकल इतनी अवेयरनेस है, जनरल बातें सभी जानते हैं कि हमारे लिए क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, परंतु कितने समय पर क्या चीज खानी है, किस कॉम्बिनेशन से खानी है, ये हमें 4P पद्धति ही सिखाती है। अतः 4P पद्धति को भी देखें और आप, मुझे लगता है इस आसन को भी पूरी अच्छी तरह से समझ गए हैं, पूरी तरह से समझ गए हैं। तो उसके पश्चात आपको करना होता है भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम, जो कि आप विस्तार से जानने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको दोनों वीडियोज का लिंक मिल जाएगा। वैसे मैं जनरल वे में आपको एक एक बार बताने वाला हूँ भ्रामरी प्राणायाम कैसे होता है। भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, कमर गर्दन सीधी रखते हैं, सुखासन में बैठते हैं और जैसे भौरा उच्चारण करता है इस प्रकार सा उच्चारण करते हैं, पूरे वाइब्रेशन मस्तिष्क में करते हैं, दांत भींच कर रखते हैं, होंठ बंद रखते हैं।
लंबा गहरा श्वास भरने के पश्चात करते हैं, श्वास निकलता रहता है। और इसमें हम आगे बढ़ाएं इसको तो अंगूठों से अपने कान को भी बंद कर सकते हैं। ये हमारा भ्रामरी प्राणायाम होता है। कुछ लोग इसको ऐसे ही बताते हैं कि दो उंगलियां आंखों के और नाक की जड़ के बीच में रख ली एक माथे पर और अंगूठों से कान को बंद किया और फिर किया। करना मेन यही है कि वाइब्रेशन जैसे भंवरा करता है ऐसे मस्तिष्क की हर नस नाड़ी में वाइब्रेशन होना चाहिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाए और हमारे मस्तिष्क की एक्टिविटीज बढ़ जाए और हमारे रिकॉल पावर बढ़ जाती है। और उद्गीत प्राणायाम क्या होता है मित्रों? वही पवित्र शब्द ओम का उच्चारण करना, वही उद्गीत प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम करें आप 5 बार 7 बार 11 बार, भ्रामरी प्राणायाम करें आप 5 बार 7 बार 11 बार, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी देर आप सहजता से बैठ पाएं। और यदि आपको बैठने में परेशानी हो रही है, पैरों में बैठने से समस्या आ जाती है, पैरों में सुन्नपुन हो जाता है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं। सभी वीडियोज का मैंने लिंक दिया हुआ होता है, आप कोई भी वीडियो किसी भी बीमारी का, किसी भी समस्या के देखना चाहें, आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे। यदि कुछ नहीं मिलता है, आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए भी आपको वीडियो बना के दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं, या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं 9927278327। रात को 9 से 10 बजे के बीच में मैं फ्री होता हूं। कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार के परेशानी हो, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूं। कभी संकोच ना करें मुझसे बात करने में, मुझे क्वेश्चन करने में, मुझे कमेंट करने में। मेरा अपना उद्देश्य है कि हमारा राष्ट्र स्वस्थ बने, हमारा राष्ट्र निरोग रहे, ना चिकित्सक की आवश्यकता हो, ना औषधि की आवश्यकता हो। ऐसा आप चाहें तो आप अपने आप को स्वस्थ बनाएं सबसे पहले, और फिर मेरा सहयोग करें अपने स्वास्थ्य, समाज को स्वस्थ बनाने में, राष्ट्र को स्वस्थ बनाने में। इसी अनुरोध के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए।